हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टी टूडे स्टडी में और मैं भोला कुमार। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो लेके आए हैं 31 नंबर क्वेश्चन तक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे का बता चुका था और मैं उसके आगे लेके आए हुए हैं। 31 नंबर के बाद से भी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं, लेट नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का पहला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन से। 31 नंबर तो पहले पढ़ा चुके हैं दोस्तों, चलिए 32 नंबर देखते हैं। यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे। चलिए दोस्तों, समय तथा कार्य का जो है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 7 पेज प्रतिदिन, 7 पेज प्रतिदिन किसी कार्य को, सॉरी 7 दिन प्रतिदिन पढ़ने जाए तो एक पुस्तक को कितना दिन में, 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में दिन भी ऊपर रखेंगे और जो काम करने वाला उसको ऊपर में रखेंगे, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन है नहीं। तो सीधा बोला कि 7 पेज को 40 दिन में पूरा करेंगे, तो यदि एक पुस्तक 8 दिन में पढ़नी है तो पूरी पढ़ करनी है तो प्रत्येक दिन में कितने, तो प्रत्येक दिन कितना पढ़ना पड़ेगा, 8 दिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कितना पेज पढ़ना पड़ेगा, 8 दिन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 8 × 5 = 40, 7 × 5 = 35। कितना है दोस्तों, 35, यानी कि कितने पेज पढ़ेंगे, 35 पेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरा की कितने समय में 4750 रुपए साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 वहां जो है हो जाएगा, यानी कि मूलधन का इतना हो जाएगा। तो मेरा दोस्तों पता चल रहा है ना कितने मूलधन मेरा कितना है, कितना दिया गया, कितना दिया गया दोस्तों, 8750। इसका बोल रहा है कि 6/25 भाग है। ठीक है, तो मेरा क्या निकल जाएगा ये दोस्तों, ये जो है साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो इसको हम अगर करेंगे तो ये मेरा 25 से कम जाएगा, 25 की अपने 350 रुपए कट जाएगा दोस्तों। अब इसको गुणा करके कितना जाएगा, 0 × 35 और 6×18 = 32। अकीसो मेरा क्या आ गया दोस्तों, ये 2100 मेरा आ गया SI। अब देखिए SI हो गया इतना मूलधन, मेरा तो पता चल गया। यहाँ आप बोल रहा है कि कितने समय में, तो समय बराबर होता है दोस्तों मूलधन गुना 100 / यहाँ हो जाएगा SI, एस आई तो पी गुने आर, ये होता दोस्तों। अब इसको बैठा दे, मेरा आंसर आ जाएगा SI बराबर मेरा कितना है दोस्तों, 2800 × 100 × P बराबर मेरा कितना है, 2750 और मैं अंदर कितना 8%। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको दोस्तों करते हैं सॉल्व। एक मिनट में खत्म हो गया दोस्तों, 2 × 5 = 10 कट जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा, 5 × 3 = 3 हो गया, यहाँ 37 हो जाएगा, कितना हो गया, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 बच गया, यहाँ कितना 2 × 5 = 25। अब इसको फिर काट सकते हैं दोस्तों, 5 से कट जाएगा, फिर उसको भी काट सकते हैं 4 और में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये कट जाएगा कितना दोस्तों कर में, चलिए काटते हैं इसको, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 20, 5 × 10 दोस्तों। चलिए 5 × 7 = 35, या फिर 5 है तो 35 है ना दोस्तों, रुकी 35 है, 7 से कर देते हैं, 7 × 5 = 35, 7 × 42 = 60 हो गया दोस्तों। उसके बाद हो जाएगा यहाँ 5 × 5 = 10, 3 × 12 यानी कि बराबर 3 वर्ष, कितना रहेगा दोस्तों, 3 वर्ष। अपना कैलकुलेशन कर दीजिएगा, कैलकुलेशन करके मेरा 3 वर्ष आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है क्वेश्चन, यदि 2×x² + y² = 25 तथा y = 2 है तो x का मान निकालना है। तो सीधा मतलब आपको नजर आ रहा हो, देखो ये रूट में है, यहाँ रूट में नहीं है, तो इसको रूट को हटाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, 25 का स्क्वायर भी कर देते हैं। चलिए अब ई रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हो गया दोस्तों, अब क्या बचा है, x² + y² = 25 का स्क्वायर कितना, 625। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एस का कुछ मान दिया वाई का, एस का नहीं दिया वाई का दिया गया, ठीक है, तो एस का कुछ नहीं, तो एस स्क्वायर वाई का मान बराबर कितना दोस्तों, वाई बराबर हो गया 2 एक्स का जो है स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों, 2 × 4 का स्क्वायर बराबर 625, इसको जोड़ने में कितना हो जाएगा दोस्तों, 4x = 1x, कितना हो जाएगा, 5x² = 625
25, तो एक्स स्क्वायर बराबर मेरा क्या जाएगा दोस्तों, इसको काटेंगे 5 एक 5 125 बराबर कट जाएगा दोस्तों, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना 125, तो एक्स को अगर घटाएंगे तो रूट इसमें आ जाएगा दोस्तों 125, तो एक्स का मान कितना आएगा दोस्तों 125। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, बोला कि एक बस एक घंटे में 12.25 की दूरी तय कर सकता है, तो यह 2.34 घंटे में कितने दूरी तय करेगी, यानी कि एक घंटा में इतना जा रहा है दोस्तों, तो इतना में कितना चलेगा, बस गुना कर देना है, तो इसको पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, इसको 52 से 60 का कितना हो गया 62 बटे 5 हो गया दोस्तों, और 4 × 8 = 8 कितना हो गया 11 बटे 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों, आ जाएगा आंसर मेरा, इसको कर दीजिए दो बार में, ये हो जाएगा द्वितीय छोर जो कम 2 31। अब 31 × 13 किए कितना हो जाएगा दोस्तों 11 × 11 33 और 1 कितना हो गया 34, अरे 5 × 10 इसको भागा देंगे तो मैं देखिए 0 है 10 है, तो 10 के बाद एक पॉइंट दे दीजिए मेरा, मैं यानी कि इतना किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन रेशियो का आ गया है, इसको देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बोला कि ए अनुपात बी बराबर इतना, यानी कि ए हो गया इधर बी हो गया इधर, कितना है 2:5 और बी अनुपात 4, यानी कि बी अनुपात सी दिया है कि 3:4, तो बी अनुपात सी बराबर हो गया कितने, तो बी जो है ना बी के सामने रखेंगे बी बराबर कितना हो गया दोस्तों 3, ठीक है दोस्तों उसके बाद 4। अब इसको गुना करने का तरीका है दोस्तों है, इसको ऐसे कीजिएगा, ठीक है बढ़िया कर देते हैं थोड़ा सा, यानी कि एक बार इसको करिएगा 5 × 20 और इसके बाद सीधा सीधे कीजिएगा 3 × 15 और जो ये बार इसको ये करिएगा 3 × 6। अब आ गया दोस्तों ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब पूछ रहा क्या दोस्तों, ए और सी, यानी कि ए को ले लेंगे 6 है और सी बराबर कितना इतना हो गया, इनका आंसर हो गया दोस्तों। अब इसको छोटा कर सकते हैं तो कर लीजिए, 3 बार में हो जाएगा 10 बार में हो जाएगा दोस्तों, तो मेरा ए अनुपात सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका ए अनुपात सी बराबर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, एक डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे, जितना मैं क्वेश्चन का लिख दिए, सिर्फ इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, एक 12 एक कक्षा में 1200 विद्यार्थी है दोस्तों, 1200 विद्यार्थी लिख दिए, उतना लिखना जरूरी है, समझ में काफी है, एक छात्रावास में जो है कितना स्टूडेंट है 1200। अब इसका एक पाई चार्ट में दर्शाया गया दोस्तों, देखिए इसमें क्या है, कार 150 है, वॉक 300 है, और बस कितना 120 है, साइकिल 60 है, आपके पास अगर बुक है तो दोस्तों अब ध्यान से देख सकते हैं, थोड़ा और समझ सकते हैं, लेकिन काफी है मेरे लिए, आपके लिए भी होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें बोल रहा है कि दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कितने छात्र जो है कितने छात्र जो है कार द्वारा विद्यालय आते हैं, यानी कि सबका कोई पैदल चलता है, कोई कार वाला था, कोई बस, कोई साइकिल, तो बोल रहा है कि कितने छात्र है जो दोस्तों कि हमारे कार से आते, तो कार जो है 150 डिग्री है, टोटल छात्र का कितना दोस्तों 1200, कितना है 1200, अरे मेरा कितना कार द्वारा जा रहा है इसका कितना निकाल देंगे 150, अब बटे में क्या निकाल देंगे दोस्तों 360, बोले कहा है 360 दीजिएगा सर, देखिए ये मेरा जो वीट का 360, ये जो 150 डिग्री है तो 360 का ही भाग है दोस्तों, तो 360 इसे परसेंटेज निकालते थे ना हम लोग, उसी प्रकार है, तो टोटल ये जो भाग है तो टोटल कितना है 360 डिग्री का ही 150 का भाग है ना, तो इसे टोटल किसमें है 150 है, कितना में से है 360 में से 150 है। चलिए इसको कटाएंगे मेरा आंसर आ जाएगा, चलिए दोस्तों कटाते हैं, एक समय इधर हो जाएगा 12 × 12 हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा, 3 × 15 हो जाएगा, यानी टोटल कितना स्टूडेंट है मेरा दोस्तों, यानी कि कार से जो आते हैं मेरा 500 स्टूडेंट, कितना आता है दोस्तों 500, मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है, बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है, देखिए क्या है 12 मीटर को क्या करना है, 12 मीटर को 25 से भाग देना है आंसर, लेकिन आपको ऑप्शन में क्या दिया है, सेंटीमीटर में क्या दिया है वो भी थोड़ा देख लेना होगा, ऑप्शन में आपका जो सेंटीमीटर में दिया, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए दोस्तों 100 से क्या करेंगे मीटर को 100 से गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो इसको 25 × 100 और ऊपर चुके 48 सेंटीमीटर, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिकोणमिति का है,
तो बोल रहा कि यदि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/3 हो तो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर r। तो दोस्तों ऐसे प्रोसेस भी बन सकता है प्रोसेस से, लेकिन हम लोगों को प्रोसेस से तो बनाना है अभी नहीं है, फिलहाल सेट पे बता रहे हैं तो उसको थोड़ा स्पीड बताना ही होगा, ठीक है। लेकिन इसमें तुरंत देखते ही आपको पता चलेगा कि आंसर क्या होगा। देखिए बोला कि sec थीटा माइनस tan थीटा 1/3 हो तो sec थीटा प्लस tan थीटा, सीधा तो नजर ना रहा दोस्तों। देखिए यहाँ सिर्फ इसका रिवर्स नहीं है, ये माइनस का इधर प्लस कर दिया, उल्टा है कि नहीं दोस्तों, इसका रिवर्स है, ठीक है दोस्तों। तो जब इसका रिवर्स है तो इसका रिवर्स भी तो आंसर हो जाएगा ना डायरेक्ट, यानी कि मेरा आंसर इसका क्या जाएगा दोस्तों, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर इसका उल्टा 1/3 है तो इसका क्या जाएगा 3/1 दोस्तों। तो बटे में एक दो ना दो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डायरेक्ट मेरा आंसर में क्या जाएगा दोस्तों, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3। समझ में नहीं आया दोस्तों, चलिए देखते हैं फिर से एक बार। बोल रहा कि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/3 हो तो देखने में आ रहा ना दोस्तों इसका रिवर्स यानी उल्टा है, तो इसका उल्टा है तो इसका उल्टा तो आंसर हो जाएगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा दोस्तों, दिमाग नहीं लगेगा तो फिर समय लग जाएगा आपको बनाने में, तो बस इसका उल्टा करिए आंसर आना, ठीक है। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि यदि 5x और 8x का एलसीएम तथा एलसीएम क्रमशः 9 तथा 360 है तो x का मान ज्ञात करें। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 5x यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर इतना, यानी कि पहली संख्या मेरा क्या दोस्तों 5x गुना 8x बराबर कितना 9 गुना 360, ठीक है दोस्तों। अब इसको गुना किए 40 हो जाएगा, 40x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 गुना 360। अब इसको कटा सकते हैं दोस्तों, 4 खत्म हो गया, 4 9 36 यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर मैं क्या जाएगा दोस्तों, अगर 9 गुना 9 तो एक्स बराबर क्या जाएगा दोस्तों, 9 गुना 9 तो एक्स बराबर क्या जाएगा दोस्तों 9, ठीक है दोस्तों, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंपल, और चलिए बोला कि a प्लस बी बराबर इतना और a माइनस बी बराबर बी का मान, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए a प्लस बी बराबर कितना गया दोस्तों -2, a माइनस बी बराबर कितना 12। इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, माइनस प्लस खत्म यानी कि खत्म हो गया b, अब कितना a कितना गया 2a बराबर कितना जाएगा यहाँ 10 हो जाएगा दोस्तों, तो a बराबर कितना जाएगा 10/2 = 5, यानी कि a बराबर अपना निकल गया, तो यहाँ पूछ रहा है क्या मेरा b बराबर है, तो b बराबर निकल गया ना, तो a का जो मान दिखाया है किसी में रख दीजिएगा, तो चलिए एक में रखते हैं a प्लस बी बराबर -2, तो a का मान कितना आया दोस्तों 5 प्लस बी बराबर हो जाएगा -2, चलिए तो b बराबर हो जाएगा कितना -2, इधर 5 जो है ना बराबर के उधर जाएगा ना, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है ना तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस होगा दोस्तों, क्योंकि ये तो प्लस छुपा हुआ है तो सब लोग जानते हैं, तो b बराबर क्या लेगा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 7 हो जाएगा आपका b बराबर आंसर। चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और मैं वीडियो को यही समाप्त कर सकता हूँ, अगर अच्छा लगे तो आपका थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, हाँ जो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।